हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडे टॉपिक ऑफ द डे आर पेंट बकेट टूल, इंक बॉटल टूल एंड इरेजर टूल. सो व्हाट आर पेंट बकेट टूल्स? सो पेंट बकेट टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू फिल इनक्लोज्ड एरिया विद सॉलिड कलर एंड ग्रेडियंट्स. एंड यू ऑल नो दैट व्हाट आर ग्रेडियंट्स. ग्रेडियंट्स आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर. एंड दिस इज द आइकन ऑफ द पेंट बकेट टूल. So how we can apply this tool? First of all, I will select the rectangle tool and draw the rectangle here on a stage area. By default, यहाँ पर जो है stroke color and fill color apply हुआ हुआ था, जो भी इसलिए वही color same apply हुआ है. If I want to change the fill color of this rectangle, then I will choose the paint bucket tool from tool panel and then choose the color. And apply this color on this rectangle. So this is the easiest way to change the color from paint bucket tool. So now we have another tool, that name is ink bottle tool. This tool is used to change the color, style and thickness of existing line. And this is the icon of our ink bottle tool. So how we can apply this tool in our Flash CS3 window? So let's watch. Select the ink bottle tool. This is the icon of ink bottle tool. First, I will draw the line. Then I will choose this icon, ink bottle tool, select the color. And apply this on. Property inspector. अच्छा, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके जो है वो कलर पैनल से नहीं, बट आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जो आपके इंक बॉटल टूल का आइकन शो हो रहा है, वहाँ से आपने कलर चेंज कर लिया. ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं. यू ऑल नो दैट आप यहाँ थिकनेस और ये सब भी चेंज कर सकते हैं. लेट सपोज आपने कोई भी लाइन ड्रॉ की और अब आपको लगा कि नहीं, ये लाइन इस कलर की होनी चाहिए थी, तो आप इंक बॉटल टूल से उसको बाद में कलरफुल कर सकते हैं. ठीक है, और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और उसकी थिकनेस भी. So now we have in another tool, that name is eraser tool. This tool is used to erase lines and fill, and this is the icon of eraser tool. So how we can apply this tool? लेट सपोज टीचर ने आपके पास इस तरीके से कुछ ड्राइंग बना रही थी और टीचर को ऐसा लगा कि नहीं, ये ड्राइंग में मुझे थोड़ा सा इरेज करना चाहिए था इस पोर्शन को, इस एरिया को. टीचर ने यहाँ से इरेजर टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से, अच्छा, इरेजर टूल सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इसके मोड्स भी होते हैं. यहाँ नीचे लास्ट में टूल पैनल में मोड्स हैं. आप कोई भी टूल सिलेक्ट करते हैं लाइक पेंट बकेट, ब्रश टूल, वहाँ उसके मोड्स होते हैं. ठीक है, ये मोड्स में सिलेक्ट किया. आपको इरेज नॉर्मल करना है, इरेज फिल करना है, इरेज लाइन करनी है. मुझे इरेज लाइन करनी है, तो मैंने यहाँ से लाइन चूज किया और मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ. ठीक है, इस तरीके से आप अपने किसी भी ड्राइंग में कोई भी पोर्शन आप इरेज करना चाहते हैं तो आप इरेज कर सकते हैं. होप कि आपको इस चैप्टर में जो भी टूल स्टडी करे गए हैं, जो भी टूल डिस्कस किए गए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.